नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप लगातार देख रहे हैं आज राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर। चप्पे चप्पे पर एनडीटीवी राजस्थान के रिपोर्टर तैनात हैं और हर पल की खबर मतदान बूथ से लेकर और बड़े नेताओं की खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी कवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर जारी है। दोपहर करीब 3 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने जो आज जारी किया उसके हिसाब से 55.63% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। लगातार मतदान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे जो डेटा आया था उसमें करीब 10% मतदान हुआ था, उसके बाद जो डेटा आया उसमें 25% हुआ और फिर 40% से बढ़ते बढ़ते अब करीब 55% मतदान से ज़्यादा वोटर्स ने वोट डाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव का बड़ा महत्व है। लिहाजा राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। पूरे 25 सांसद बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से मिले थे और 2018 की जो तस्वीर थी उसमें 99 पर कांग्रेस और 73 पर बीजेपी ने सीटें हासिल की थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी और अब 5 साल बाद अगले 5 साल की सरकार तय करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए राजस्थान के मतदाता लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान, सभी मतदाताओं में उल्लास देखा जा रहा है। राजस्थान के करीब 5,26,00,000 वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अगर आपको बताएं तो करीब 55 मिनट और हैं मतदाताओं के पास अपने उस एक वोट की चोट करने का जो उन्हें 5 साल अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। और हम लगातार हमारे गेस्ट के जरिए भी आपको विश्लेषण पहुंचा रहे। इस वक्त बीजेपी से मेरे साथ चेतन राजपुरोहित मौजूद हैं और कांग्रेस के एक्सपर्ट भी, प्रवक्ता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। 55% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। चेतन जी, आप तो काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहे इलेक्शन डेटा को और बीजेपी की ओर से काफ़ी पोलिंग बूथ तक आपके पास डेटा रहता है, काफ़ी एनालिटिकल ढंग से आप काम करते रहे आपकी पार्टी में और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। पहले आपके पास आते हैं चेतन जी, क्या लग रहा है 55% मतदान हुआ है अभी तक और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तिजारा जो एक इस वक्त पे जो हॉट सीट बनी हुई थी पूरे राजस्थान में, जो हॉट सीटें उसमें शुमार थी, वहाँ बम्पर वोटिंग हो चुकी है, करीब 70% वोटिंग हो चुकी है। अब करीब देखा जाए तो 54 मिनट और है मतदाताओं के पास। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बधाई, आज मतदान का दिवस है जी। और प्रदेश के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जब जब भारी मतदान हुआ है, आप 2008 देखिए, 2013 देखिए, 2018 देखिए, रिजल्ट आपके सामने। भारी बहुमत क्यों होता है, भारी मतदान क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिस सरकार, किसी भी सरकार हो, उसके खिलाफ जब एंटी इनकमेंसी चरम सीमा पर होती है तो लोगों के मन में एक उत्साह होता है कि इसको बदलना है, इनसे मुक्ति पानी है, इनसे राहत पानी है, क्योंकि इन्होंने बहुत तंग किया है 5 साल तक, तो पूरा झूम, पूरा मोहल्ला, पूरा गली उमड़ पड़ता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ कमेटियों का गठन किया और एक एक बूथ पर हमने जो बूथ सदस्य कमेटी बनाई, 21 सदस्य कमेटी बनाई, उस और पन्ना प्रमुख बनाए हमने, उस पर एक पन्ने के प्रमुख के विधायक भी है, सांसद भी है, महापौर भी है, पार्षद भी है, सब लोग है। केवल एक पन्ने की जिम्मेवारी है उस व्यक्ति के पास कि आपको इस पन्ने में जो वोटर है उनके वोट कास्ट करवाने। आप कल्पना कीजिए, इतना माइन्यूटली अध्ययन, इतना माइन्यूटली काम जो पार्टी करती है, उसके पक्ष में परिणाम क्यों नहीं आएंगे? परिणाम ऐसे आने वाले हैं कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो है जी, 2013 का जो रिकॉर्ड था 21 सीटें लेने का कांग्रेस का, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार 21 भी ये ले नहीं पाएंगे राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान का जन जन, बच्चा बच्चा, गांव गांव, ढाणी ढाणी, मोहल्ला मोहल्ला, अगर आप मनीष जी घूम करके देखेंगे तो कांग्रेस के वर्तमान विधायकों के पास तो ये हिम्मत ही नहीं है अपने गांव में जाके, अपने गढ़ाड़ी में जाके, अपने मोहल्ले में जाके वोट मांग लें। नहीं चेतन जी, अभी जो स्ट्रिक्टली हम डिस्कस करें वो सिर्फ वोटिंग, तो अब मतदान तो हो ही रहा है, अब सिर्फ लगभग
52 मिनट बचे हैं मतदान खत्म होने को। ठीक है, तमाम जो आप चुनावी बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब है नहीं इस वक्त। हार नहीं रही है जी मनीष जी, हार नहीं रही है, केवल बड़े भारी अंतर से अगर कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, इतना बड़े कद्दावर नेता जी, अगर बीकानेर पश्चिम से बड़े भारी मंत्र से अंतर से हारते हैं तो आप राजस्थान का मूड देख सकते हैं, राजस्थान का मिजाज देख सकते हैं, राजस्थान के वोटर का भविष्य देख सकते हैं। आप अभी से कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि अभी तो अभी वोटिंग हो रही है, वैसे ही बात कर रहा हूँ तो मैं इस शहर में बैठा हूँ। अरे भाई साहब क्या करते हो, कांग्रेस के तो पूर्व में स्थिति है कि इनके पास एजेंट तक नहीं मिल रहे, इनके बूथ खाली पड़े हैं। वो वही आरोप आप पर लगा देते हैं कुछ जगहों पर कि आपके पास मिल रहे। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक, और अब करीब 50-51 मिनट बचे हैं चुनाव मतदान के आखिरी वोटिंग होने को। हालांकि 6 बजे के बाद भी जो पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं मतदाता, उन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान कराया जाता है समय की पाबंदियों के बावजूद। क्या लग रहा है आपको, जो लेटेस्ट डेटा हम कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि जो अभी इलेक्शन कमीशन का डेटा है 3 बजे तक का अपडेट है, उसके हिसाब से 55% वोटिंग हो चुकी है। कुछ जो सीटें जो जैसलमेर की, जैसे बात करें जैसलमेर जिले में काफ़ी वोटिंग अब तक देखने को मिली, तिजारा में करीब 70% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, क्या आपका एनालिसिस है, क्या सोच रहे हैं? लोकतंत्र के महापर्व में 5,26,00,000 मतदाताओं को पोलिंग बूथ से जोड़ने के लिए, उस पर्व में शामिल होने के लिए कांग्रेस का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हर गली गली हर बूथ बूथ पर तैनात है, जैसे चेतन राज पुरोहित कह रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्य योजना तो थी नहीं, इन्होंने तो ये सोचा कि हर 5 साल में जो बदलती है तो उसका मजा इनको मिल जाएगा। लेकिन पूरा राजस्थान का मीडिया, देश का मीडिया बता रहा है कि राजस्थान के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है, बल्कि आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि कांग्रेस की सरकार क्यों बनने जा रही है, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जुमला पार्टी है, इनकी कोई कार्य योजना नहीं थी राजस्थान में। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, 14-15 बार आ चुके, लेकिन उनके भाषण जो होते हैं उन भाषण में वो कांग्रेस को कोसते हैं। और आप सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए कि राजस्थान के अंदर वो क्या कर रहे हैं। राजस्थान में उनकी कार्य योजना बहुत सादा है, कांग्रेस की जो गारंटी राजस्थान की जनता लाभान्वित जिससे हो चुकी, कांग्रेस की जनता जिन योजनाओं का लाभ ले चुकी उन योजनाओं को पुनः देने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी देते हैं। वो ये कह रहे गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी, लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस की योजनाओं से लाभान्वित हो गया, ऑलरेडी उसको वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो इन पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि पूर्व में भी ये ऐसा अनुभव करा चुके हैं देश और प्रदेश की जनता को कि इन्होंने जब ये केंद्र में काबिज हुए थे, महंगाई का मुद्दा हो, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इस देश को जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आने की बात हो, काले धन की को समाप्त करने की बात हो, हुआ पलट, न तो रोजगार मिला। अब ये राजस्थान में हमारी, इनका संकल्प पत्र को सर्च कीजिएगा, हम तो कह चुके कि उस संकल्प पत्र के अंदर जो इन्होंने उल्लेख किया वो सारी कांग्रेस की योजनाएं हैं। ठीक है, पूछो भाई, तो आपको आपको लग क्या रहा है, क्या इस बार मतदान का प्रतिशत जो 3 बजे तक ये 55% है, क्या उम्मीद है आपको, मतदान रिकॉर्ड तोड़ेगा या फिर वही जो राजस्थान में होते रहा, एक बार ज्यादा मतदान फिर अगली बार कम मतदान? मुझे लगता है ये मतदान 68% के आसपास, 70% के आसपास रहना चाहिए, अंडर 70 रहना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा, आपको लगता है अंडर 70 रहेगा मतदान, आपको ऐसे लगता है 70 के लगभग रहना चाहिए ऐसा? तो फिर तो ये अगर ट्रेंड देखे तो आपके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जो चुनाव में हर बार जो चुनाव में देखने में ये आ रहा है, पिछले 4-5 चुनाव से एनडीटीवी ने भी डिकोड किया कि 4 चुनाव से अगर हम देखें, 1998 से जब 2003 में जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो राजस्थान में तो बीजेपी आई, और वोटिंग परसेंटेज जब गिरता है तो कांग्रेस आई है। पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था 2013 के मुकाबले। देखिए
मैं बताता हूँ, इस बार आप उस देखिएगा। ट्रेंड को ही आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कैमरा पर। नहीं 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 आप समझना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक अपनी कार्य योजना है, अपनी रूपरेखा है, जनता के बीच में किए हुए कार्य है, जनता मतदान करने जा रही है, युवा प्रदेश का युवा मतदान करने जा रहा है, जो इनके मैनिफेस्टो में राजस्थान में इन्होंने दिया कि हम 2.5 लाख रोजगार देंगे, हम 3 लाख रोजगार तो कांग्रेस सरकार ऑलरेडी दे चुकी लेकिन है। ये बड़े दिलचस्प बात है, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहेगा? आप तो पिछले बार से भी कम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तमाम कवायद तो राजस्थान में हो रही है कि रिकॉर्ड पे पहुंचे। आप तो बोल रहे हैं पिछली बार 75% मतदान था, आप 70% से भी नीचे बता रहे हैं। अभी करीब करीब आप ये मानिएगा कि 46 मिनट बाकी है जी, तो ये तो जो भी है वो सुनिश्चित हो जाएगा, सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में मतदान अधिकाधिक हो रहा है, बहुतायत में हो रहा है। इसका कारण यह है कि राजस्थान की जनता हमारे कार्यों से लाभान्वित हुई, चाहे चिरंजीवी योजना हो, 1,35,00,000 परिवार प्रदेश का लाभान्वित हुआ। तो लाभान्वित होंगे तो वोट कम करेंगे, वोट करेंगे कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। नहीं तो मैं यही बात बोल रहा हूँ, 75% पिछली बार मतदान था, इस बार आप बोल रहे हैं कि 68% तक देखने को मिल सकता है। आप 7-8% की आप गिरावट बता रहे हैं मतदान में, आप कह रहे हैं आपके हिसाब से 68-70% से ज्यादा मतदान नहीं होगा। मैंने मात्र एक कयास बताया है जी, वो नहीं, आपको भाई क्यों लग रहा है ऐसा? ये मैं यही बोल रहा हूँ, आपका ये कयास क्यों लग रहा है कि आपको मतदान कम होगा इस बार, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हालांकि अभी आधिकारिक डेटा और अपडेट होगा थोड़ी देर में, आधिकारिक डेटा भी अपडेट हो जाएगा, अभी तक के जो आंकड़े उसके मुताबिक ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जो भी जितने भी प्रतिशत मतदान हो रहा है बहुतायत वोट कांग्रेस के पक्ष में गिरने का प्रमुख कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तो विरोध विपक्ष की भूमिका अदा ही नहीं कर पाई। इनको तो ये लगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको नजर आ रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि 5 साल निकलेंगे हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो पानी पे, बिजली पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, हर क्षेत्र में जो काम हुए, राजस्थान की जनता उससे प्रसन्न है और उन योजनाओं पे। सर, ईआरसीपी पानी की आप बात कर रहे हैं, बिजली की आप बात कर रहे हैं, ईआरसीपी का मुद्दा आपने चुनाव से पहले उठाया जरूर, लेकिन चुनाव आते आते जब चुनाव खत्म होने को आए तब तक भी आपने ईआरसीपी के मुद्दे को लग रहा बीच में छोड़ दिया, आप दूसरे मुद्दों पर आ गए, आप भी बीजेपी की तरह उसी सियासी पिच पर आ गए, बयानबाजियों पर आ गए। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए हम लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखते रहे, यहां तक कि विधानसभा इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी राजस्थान की सरकार दे चुकी। हम तो इतना भी कह रहे हैं कि 13 जिले इससे सिंचित होंगे, ये किसानों के विरोधी है, ये नहीं चाहते 13 जिले सिंचित हो, पीने का पानी मिले, किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान की आय बढ़े, किसान का उत्पादन बढ़े, पैदावार बढ़े, ले किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक उसको संबल मिले, वो काम हम करने जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि ईआरसीपी के मुद्दे पर ये काम नहीं करेंगे तो ईआरसीपी का काम कांग्रेस करने के लिए तैयार है, राजस्थान में कांग्रेस करेगी इसको। ठीक है अनूप जी, आप बने रहेगा, चेतन राजपुरोहित जी का भी रुख कर लेते हैं। चेतन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो लग रहा है कि वोटिंग कम होगी, तमाम कवायद इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि वोटिंग रिकॉर्ड करे, 85% लगेगा, ये इनको संजीवनी यही लगती है कि कहीं भगवान करे कि वोटिंग कम हो जाए, ऐसा लगता है। ये राजनीतिक पार्टी पहली पार्टी है जो कम मतदान चाहती है, कोई भी भारत का नागरिक ये चाहता है, अपने सब अपील भी कर रहे थे अधिक से अधिक मतदान करे, लेकिन ये पहली पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे फिर आपको जा रहा है ना, उसको पेपर लीक याद आ रहा है, 17-17 पेपर जो आपने लीक किए हैं, उनके उनके माता पिता को भी याद आ रहा है, बच्चों को भी आ रहा है, दोनों को आ रहा है। चेतन जी, मैं थोड़ा सा महिला जब अंदर वोट देने जा रही है तो उसको महिलाओं पे अत्याचार, रेप, हत्या के याद आ रहा है। वो तमाम चुनावी मुद्दे थे, अब ठीक है, चुनाव आज तो मतदान खत्म हो जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति में सरकार आने के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं, आप तो संघर्ष ये कर रहे हैं कि आत्मसम्मान के साथ कैसे हार हो, जिसमें थोड़ा हमारा आत्मसम्मान बच जाए। कांग्रेस का जो नारा राजस्थान में जो दिया है, ये कांग्रेस होने का समय आ गया है, तो राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है
कि आपने विदाई करनी है और विदाई किस तरीके से करनी है कि आप पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाए। अरे ये क्या होगा, क्योंकि आपने राजस्थान की जनता को ठगा है, आपने हर क्षेत्र में ठगा है। आपने पानी की बात की, आपने जल जीवन मिशन को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी आप भ्रष्टाचार किया आपने। और 16 किलो सोना बरामद होता है, नकदी बरामद होती है, अधिकारी जेल में जाते हैं, और तो और आपके नेता भी पेपर लीक के अंदर नेताओं को भी नोटिस जाता है, और नेता गर्व से कहते हैं कि हमने तो कर दिया, आपको जो करना है आप करिए, हमने तो कर दिया। इस तरीके की जो पार्टी है, इस पार्टी को राजस्थान की जनता सबक सिखा रही है। आज चेतन जी, चेतन जी, चेतन जी, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल बात कर लेते, थोड़ा सा आंकड़ों पर बात कर ले। आप पूरे 45 मिनट बात करते रहे आपस में आरोप प्रत्यारोप। मैं जानता हूँ दर्शकों को बात समझ में आनी चाहिए, आपको भी अधिकार है। अनूप जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीच में बोलने से नुकसान होता है, और इसीलिए तो कांग्रेस पिट रही है जी। इसीलिए चेतन जी, थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। चेतन जी बीच में बोलते हैं, चेतन जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं, थोड़ा वोटिंग परसेंटेज पर बात कर लेते हैं। इनको क्या विश्वास है? इनको लाठीचार्ज पे विश्वास है, इनको झूठे वादों पे विश्वास है जी। गारंटी की बात की इन्होंने, मनीष जी, इन्होंने गारंटी। भाई अब तो अब सिर्फ मुश्किल 40 मिनट बचे हैं, अब वोटिंग खत्म हो जाएगी। आपने बहुत चुनाव में भी सब बातें की है। महिलाओं पे अत्याचार नहीं होंगे, गारंटी देवे वीरंगनाओं पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे, गारंटी देवे शिक्षकों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे, गारंटी देवे बेरोजगारों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे। चेतन जी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार थोड़ा अनूप जी का ऑडियो कम डाउन कर दें। चेतन जी, आपसे मेरा सवाल ये है, चेतन जी क्या देंगे आप? चेतन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, लगातार बोले जा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे चेतन जी, थोड़ा फैक्ट्स पर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। चेतन जी, आपसे जानना ही मैं चाह रहा हूँ कि 55% मतदान 3 बजे तक आपके हिसाब से क्या लगता है? 3-6% का स्विंग होते रहा है अक्सर, 2013 को अगर छोड़ दें, 7-8% का वोट शेयर काफी परसेंटेज बहुत हाई हुआ था उस दौरान, एक वेव का चुनाव था, उसके अलावा 3-5% इधर उधर होते रहा है चुनाव, आपको क्या लगता है? पिछली बार करीब 75% था, इस बार क्या लगता है मतदान कितना परसेंट आपको फिलहाल, जब 3 बजे का जो डेटा है उसके हिसाब से क्या आप अपना अंदाज है? आपका 3 घंटे 3 बजे के हिसाब से बचे थे, अभी समय तो सिर्फ अब करीब करीब 40 मिनट बचे हैं जी। आप हर 3 घंटे का आंकलन उठाएंगे ना, हर 3 घंटे का, सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर के अब जो पार्ट टाइम है 3 बजे से 6 बजे का, ये थर्ड फेज है जी। और थर्ड फेज के अंदर महिलाएं, कामकाजी महिलाएं और महिलाएं जो घर पे काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी भी होती है बूथों पे, अब जनता उम्र पड़ी है, और मेरा आकलन है कि 70 और 75 के बीच में रहेगा वोटिंग परसेंटेज, और मैक्सिमम 75 point something जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पीक 3-6 टाइम पीक टाइम होता है वोटिंग का, बल्क वोटिंग होती है इसके अंदर, और आपको मनीष जी ज्यादा अनुभव है मेरे से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के अंदर सुबह वोटिंग कम होती है, उसके बाद में 1 बजे के बाद में वोटिंग बढ़ना शुरू होती है। नहीं, फिर चेतन जी, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ अलग तरह का, काफी इलेक्शन मैंने भी कवर किए, वहाँ पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह कतारें ज्यादा रहती है, मतलब लोग जो खेत खलिहान का काम करते हैं, काफी ग्रामीण परिवेश में लोग पहले सुबह सुबह मतदान करते हैं। महिलाएं अपना काम करके और उसके बाद वोटिंग करती है, पहली बात जी। दूसरी बात, 3-6 का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ग्रामीण मैं भी कई बार रहा हूँ चुनाव गाँव में, उसमें लाइन शाम को कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 5 बजे स्कूलों के अंदर इतने मतदाता आ जाते हैं, रात को 9-9 बजे तक वोटिंग होती है, मैंने देखा, आपने भी देखा मनीष जी, क्योंकि दूरी पंचायत से पोलिंग बूथ की दूरी ज्यादा है, उस ज्यादा दूरी के कारण से ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट लाने नहीं देती चुनाव आयोग, तो मतदाता को पहुंचने में दिक्कत आती है। तो मेरा ये स्पष्ट आकलन है कि 70-75% आराम से मतदाता मतदान होगा, और जो मतदान होगा इस सरकार की विदाई को तय करेगा, इस कांग्रेस पार्टी की विदाई को राजस्थान से तय करेगा, और इनको राजस्थान की जनता ये विदाई देना चाहती है। नहीं, माला चेतन जी, चाहती है, आप लोग जाओ चेतन जी, आप ये कह रहे हैं, बड़ा ट्रस्ट किया है चेतन जी, आप कह रहे हैं कि वही 75% के आसपास मतदान होगा, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि विदाई तय है? क्योंकि आपकी सरकार तब आई है जब बहुत ज्यादा कम से कम 2-3% का वोट स्विंग हो या वोट परसेंटेज बढ़े, अगर 2003 से अगर हम देखें इतिहास 20 साल का, कभी इस बात का आप 2003 में पहली बार आपने सैकड़ा पार किया और आपकी सरकार फर्स्ट टाइम मेजोरिटी के साथ आई थी 2003 में, उसके बाद का हमेशा प्रयास रहता है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम लास्ट मोमेंट लास्ट मिनट तक हम लोग प्रयास करते हैं
कि मतदाता वोट डाले, हम ये चिंता नहीं करते किसके पक्ष में जाएगा और किसके पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि हम जनता का मिजाज पिछले 6 महीने में, मनीष जी आपने भी देखा राजस्थान की जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि राजस्थान की जनता जो तय कर लेती है, हमें भी हटाया है, लेकिन हम जब हटे 2018 में हमने ईवीएम पे आरोप नहीं लगाया, हमने चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया, हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाया, हमने हमारी कमियों का पता किया, हमारी कमियों की समीक्षा की और उन कमियों को हमने दूर किया। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस बता रहा हूं आपको मैं, चुनाव के बाद में आप देखना 8 बजे इनका जब मतगणना शुरू होगी इनका स्टेटमेंट दूसरा होगा, 11 बजे आते ये ईवीएम पे दोष लगाने लगेंगे, 1 बजे आते ये कहने लगेंगे चुनाव आयोग खराब है, 2 बजे ये कहेंगे पूरा सिस्टम ही खराब है। ये कभी ये नहीं कहेंगे हम हमारी कर्मों की वजह से आ रहे हैं, हम हमारे नाकामियों की वजह से आ रहे हैं, हमने जनता के काम नहीं किए इसलिए आ रहे हैं, हमारा संगठन टूटा हुआ था इसलिए आ रहे हैं, हमारे पास संगठन नहीं है हम इसलिए आ रहे, हमारे नेताओं की लड़ाई के चक्कर में हमारे, ये कभी नहीं कहेंगे। ये अभी भी है ना ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में यही तो दिक्कत है, कांग्रेस आत्मविश्लेषण करती ही नहीं है। हम हमेशा कहते हैं हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं हम हमारी कमियों से हारे, हमारे अंदर कोई कमी रही इसलिए हम चुनाव हार गए, लेकिन उन कमियों को दूर करते हैं, उसके बाद में वापस मैदान में आते हैं और दुगुनी ताकत के साथ आते हैं और हम जीतते हैं। ये जब भी सरकार बनाई इनके पास बहुमत कभी नहीं मिला मनीष जी, आप देखना पिछले 2 चुनाव इन्होंने बहुमत नहीं दिया राजस्थान की जनता ने इनको, बीजेपी के 120 बात है और 165 लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना उसके आसपास रहता है तो फिर बहुमत तो क्योंकि राजस्थान की जनता इनको बहुमत देती ही नहीं है। जी